नमस्कार स्टूडेंट, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये क्लास एट का वीडियो है, क्लास एट का टॉपिक है। इससे पहले मैंने क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, क्लास सिक्स, क्लास सेवन, इस तरीके से मैंने सात वीडियो मैंने पहले पार्ट दिए हुए हैं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये क्लास एट का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइवर के बारे में बताने वाला हूँ। ड्राइवर क्या काम करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है? जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास होना चाहिए ड्राइवर। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए फ्लैश फाइल। उसके बाद तीसरी चीज आपके पास होना चाहिए फ्लैश टूल। उसके बाद चौथी चीज आपके पास होना चाहिए बूट की। बूट की के बाद फिर अगली चीज होनी चाहिए आपको फाइल लोड करने का तरीका। तो हमारे पास जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में से पहली चीज़ तो ड्राइवर, फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल, बूट की और फाइल लोड करने का तरीका। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का आप ऐसा कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने का ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिस माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो पहली चीज़ होती है ड्राइवर। ड्राइवर का काम होता है मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, पहली चीज़। दूसरी बात फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल होता है जो मोबाइल फ़ोन का ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन चलता है। अगली चीज़ होती है फ्लैश टूल, एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में फाइल इंस्टॉल करी जाती है। फिर होता है बूट की। बूट की का मतलब होता है एक ऐसी बटन जिस बटन को दबाने से हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर चलना स्टार्ट होता है। फाइल लोड करने का तरीका कि मोबाइल फ़ोन में फाइल किस तरीके से लोड किया जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं फाइल लोड करने का तरीका। तो ये नियम हमको दोस्तों पता होना चाहिए, तभी हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे ड्राइवर के बारे में। पहला नियम सीखना, ड्राइवर। ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। ड्राइवर क्या रहता है? एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसका काम क्या रहता है? हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, ये काम रहता है। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। एक तरीके का अगर देखा जाए तो ड्राइवर क्या होता है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी हार्डवेयर डिवाइस या जिस हार्डवेयर डिवाइस का सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उस कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव हो जाती है। मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर हमारा फट से बता देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे आपके घर में कोई भी आदमी आता है कि भैया ये हमारे अंकित त्यागी जी हैं, ये हमारे घर आए हुए हैं, हम उनको अपने घर में तभी ले जाएंगे जब हम उनको जानते होंगे। अगर हम उनको जानते नहीं तो अपने घर में नहीं ले जा सकते। तो जानने का मतलब ये है कि उनका जो प्रोग्राम है वो हमारे दिमाग के अंदर फिट है, तभी तो हम जानते हैं। जब हमारी उनकी जान पहचान है, जानते हैं, तभी तो उनको अपने घर ले जाएंगे। उसी तरीके से ड्राइवर का मतलब होता है जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। उसमें लिख के आएगा कि सैमसंग डिवाइस कनेक्टेड, मीडियाटेक कनेक्टेड, क्वालिकॉम कनेक्टेड। तो कैसे लिख के आएगा? जब उसका प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है, पहली चीज़। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन का ड्राइवर ना हो, जो सिस्टम से कनेक्ट ना हो। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है। और ड्राइवर को हम लोग क्या करते हैं, गूगल से
डाउनलोड करते हैं। इसे कहाँ से किया जाता है? गूगल से डाउनलोड किया जाता है। ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करता है, पहली चीज़। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के अलग अलग तरीके के ड्राइवर्स आते हैं। जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अलग अलग ड्राइवर आते हैं। ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर ब्रांड या चिप सेट के अकॉर्डिंग आता है। ड्राइवर जो होता है या तो ब्रांड के हिसाब से आता है या चिपसेट के आधार है। जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन का जो ड्राइवर होता है वो या तो ब्रांड के हिसाब से आएगा। ब्रांड का मतलब होता है जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, जो ब्रांड है उसके हिसाब से ड्राइवर आता है। चिपसेट का मतलब होता है जो उसके अंदर आईसी लगा हुआ है, चिप आईसी लगा हुआ है, उस आईसी के हिसाब से आता है, उसे बोलते हैं चिपसेट। तो ड्राइवर जो रहता है ब्रांड के हिसाब से आता है या चिपसेट के अकॉर्डिंग आता है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह का ड्राइवर होता है, ये सब चीज अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑल मोबाइल फोन ड्राइवर ड्राइवर जो रहते हैं, कई अलग अलग तरीके के ड्राइवर होते हैं जिनको हम लोग गूगल के माध्यम से डाउनलोड करते हैं। अब हम बताते हैं कितने तरीके के ड्राइवर आते हैं। सबसे पहला ड्राइवर आता है जिसका नाम होता है सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद होता है क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, एमटीके यूएसबी ड्राइवर, एसपीडी यूएसबी ड्राइवर, इंटेल यूएसबी ड्राइवर, एडीबी यूएसबी ड्राइवर। तो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर जो सैमसंग के मोबाइल फोन कनेक्ट करता है, क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर जो क्वालकॉम सीपीयू कनेक्ट करता है, मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर जो मीडियाटेक सीपीयू कनेक्ट करता है, एसपीडी यूएसबी ड्राइवर जो एसपीडी सीपीयू कनेक्ट करता है, इंटेल यूएसबी ड्राइवर जो इंटेल सीपीयू कनेक्ट करता है, एडीबी यूएसबी ड्राइवर जो एडीबी यूएसबी ड्राइवर जो रहता है वो फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करता है। तो इतने तरीके के ड्राइवर होते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तभी हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए आता है तो जब आएगा तभी एट ए टाइम पे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर को हम लोग ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल करके रखते हैं कि जब हमारे पास फ़ोन आ जाता है तो उसको कनेक्ट कर देते हैं, फट से सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। तो अब दोस्तों मैं सीखता हूँ, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ कि किस तरीके से माध्यम से ड्राइवर को हम लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे या डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको ड्राइवर को डाउनलोड करने का तरीका सिखाता हूँ कि ड्राइवर को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, पहला स्टेप। जब गूगल पे चले जाएंगे तो गूगल में लिखेंगे, टाइप करेंगे जैसे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद ये ऑल प्रोग्राम में शो होगा। उसके बाद पांचवा स्टेप, डिवाइस मैनेजर में फोन शो करेगा कनेक्टिविटी, मतलब मोबाइल फोन की जो कनेक्टिविटी है वो डिवाइस मैनेजर में शो करेगा। तो इस तरीके से ड्राइवर को डाउनलोड करते हैं और ड्राइवर को डाउनलोड करने के बाद उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो में लेकर के चलता हूँ, आगे समझाता हूँ कि ड्राइवर को डाउनलोड कैसे किया जाएगा। ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए ये हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे,
कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्रोम होता है, हम लोग क्या करेंगे क्रोम को ओपन करेंगे। ये हमारा क्रोम ओपन हो गया। क्रोम ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए या तो आप गूगल पे चले जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, ये 1.5.6 वर्जन का वेरिएंट का खुल करके आएगा। ये वाला सबसे अच्छा वेरिएंट है, ये सारे मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लेता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने ड्राइवर को ले लिया। ड्राइवर को लेने के बाद हमने ये ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बता देगा कि भाई इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए अगर आप देखेंगे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो नीचे कहीं डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होना आपका शुरू हो जाएगा। अभी नहीं शुरू हुआ है, देखिए कहीं डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे रहा है। नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बैक हो जाइए, पहली वाली साइड में चले जाइए। आ गया, चलिए देखते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। आ गया, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड पर क्लिक किया। जैसे डाउनलोड पर हमने क्लिक किया तो डाउनलोड पर क्लिक करने में देखिए डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। ये ड्राइवर हमारा डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ड्राइवर को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर देंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद ड्राइवर को हम इस फोल्डर के अंदर जा करके क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, फोल्डर बना लेंगे। उस फोल्डर के अंदर ड्राइवर को हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। एक हमने नया फोल्डर बना लिया, इस नया फोल्डर का नाम रखा सैमसंग ड्राइवर। फोल्डर को खोला, यहाँ पर हमने ड्राइवर को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको पहले एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है, ये विनरार फॉर्म में है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा फोल्डर खुल के आ जाएगा। फोल्डर को ओपन करेंगे तो फोल्डर ओपन करने के बाद इसका सेटअप खुल जाएगा। इस सेटअप को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद हमारा सेटअप का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। यस, आप ड्राइवर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यस हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम में एक इंस्टॉलेशन जैसा प्रोसेस खुलेगा। इस प्रोसेस के करने में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक का समय लग सकता है, डिपेंड करता है फ़ोन के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल। ये हमारा इंस्टॉल होने लगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता है, आप लोग वेट करें, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। ये इतना सारा दोस्तों मैं आपको वीडियो बना करके देता हूँ फ्री में, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले, सीखने का तरीका पता चले, और ये पता चले कि किस तरीके से, कितना आसान तरीके से हम मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, हम आपको सिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिए हमारा स्क्रीन पे इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने दीजिए, तब तक हम पीछे अपने इसमें चले जाते हैं। इसमें हम साइट ओपन करते हैं, मोबाइल गुरु 4। ये मोबाइल गुरु 4 एक वेबसाइट होती है जिसमें जितना भी सारा सॉफ्टवेयर है, जो भी सारा ड्राइवर है, सब चीज़ें यहाँ पर मिलता है। ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, हम इसको भी देखते रहेंगे। ये साइड में आप जा करके देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैश फाइल है, सेटअप बॉक्स है, फ्लैश टूल है, ड्राइवर है, सब कुछ मिलता है। तो हम लोग ड्राइवर पर जाएंगे। ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद अब आपको कौन सा ड्राइवर, जैसे सैमसंग का तो कर ही लिया है, मीडियाटेक करना है तो मीडियाटेक पर क्लिक करेंगे। मीडियाटेक पर क्लिक करने के बाद मीडियाटेक का ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये ऑटो इंस्टॉलर वाला आ गया, इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये इसे डाउनलोडिंग पे लगा दीजिए, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये हमने जैसे मीडियाटेक का ड्राइवर को डाउनलोड किया है, उसी तरीके से आप नीचे चले आएंगे और हम लोग स्पेक्ट्रम को ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे।
स्पेक्ट्रम का जो ड्राइवर रहता है, जितने भी एसपीडी सीपीयू होते हैं, एसपीडी सीपीयू को कनेक्ट करता है। ये देखिए हमारे मीडियाटेक एसपीडी दोनों ड्राइवर डाउनलोड हो गए हैं। उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कट किया, मिनिमाइज किया और इसी फोल्डर में आ गए। इस फोल्डर में आकर के हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसके बाद फिर गए, जैसे हमने सैमसंग को लेकर गया है तो उसी तरीके से हम लोग एसपीडी को भी लेके आएंगे। एसपीडी को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद हमने पेस्ट किया। ये दोनों ड्राइवर आ गए। उसके बाद जैसे आपने मीडियाटेक इसको कर लिया, उसी तरीके से आप क्वालीकॉम को भी ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे। ये तब तक इंस्टॉल होता रहेगा तब तक आप बाकी का खटाखट खटाखट डाउनलोड करते रहेंगे। यहाँ पर हमने लिखा क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर ऐसे। उसके बाद ये 3264 बिट का आ जाएगा। रिपेयर मोबाइल की साइड में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा कि भाई देखिए डाउनलोड कर लीजिए, ड्राइवर आपका आ चुका है। क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देंगे ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये क्वालीकॉम का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तब तक देखें सैमसंग ड्राइवर आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। सेटअप पर गए, अब इंस्टॉल हो रहा है, वेट करें। तब तक ये डाउनलोड भी हो रहा है। हमने क्वालीकॉम का है, मीडियाटेक का है, एसवीडी का है, सारे ड्राइवर इंटेल का है, सारे ड्राइवर को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उनको एक एक करके आपको इंस्टॉल करना सिखा रहे हैं और ये भी चेक करा रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल होगा, कहाँ पर जाएगा, ये भी बताएंगे अभी हम आपको। फिनिश, बस हमारे मोबाइल फ़ोन में सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। इसको चेक करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम पे जाएंगे। प्रोग्राम पे जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे। प्रोग्राम एंड फीचर्स के में जाने के बाद आप यहीं पर कहीं पर देखेंगे सैमसंग का ऑप्शन आ चुका होगा। ये देखिए सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, ये सैमसंग यूएसबी ड्राइवर हमारे इसमें डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल भी हो गया है। अब हमारा सैमसंग का कोई भी मोबाइल फ़ोन है, कोई भी मोबाइल फ़ोन को बहुत आसानी तरीके से क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। ये अब हम क्वालीकॉम का ड्राइवर डाउनलोड कर रहे हैं, क्वालीकॉम का ड्राइवर डाउनलोड हो गया है। चलिए दोस्तों अब हम इसको भी इंस्टॉल करना बताते हैं। पहले तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा भैया, कॉपी करना पड़ेगा। ये आ गया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम अपने फोल्डर पर गए। फोल्डर पर जाने के बाद इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये ड्राइवर हमने एक्सट्रैक्ट हियर किया। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद ये ड्राइवर इंस्टॉल होकर के फोल्डर आ गया। विनरार फॉर्म में होता है, इसमें हम 64 बिट के ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो विंडो है वो 64 बिट की विंडो है, तो 64 बिट के ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे 64 बिट के ड्राइवर इंस्टॉलेशन चालू हो गया प्रोसेस, तो आज की दोस्तों मैंने वीडियो में मैंने आपको ड्राइवर के बारे में बताया किस तरीके से ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे, किस तरीके ड्राइवर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और वीडियो को पूरा आपको कैसा समझ में आया, क्या क्या सारी चीज़ें समझ में आई, इन सब चीज़ों के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और ये बताएं मैसेज के माध्यम से, कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या सारी चीज़ें समझ में आई। और जो लोग ऐसे हैं स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कम्प्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में क्वालीकॉम को चेक करेंगे। देखिए क्वालीकॉम यूएसबी ड्राइवर ये हमारे इसमें आ गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, ड्राइवर को इंस्टॉलेशन का तरीका क्या होता है, ये प्रॉपर मैंने सेटअप आपको बताया हुआ है। वीडियो आपको समझ में आया, आशा करता हूँ कि आपके सारी वीडियो समझ में आई होंगी। या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, या कोई भी चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखने में मात्र
45 दिन का समय लगता है, फुल डे ट्रेनिंग होता है, फुल डे ट्रेनिंग क्लास कराया जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। सीखने के दौरान जितना भी सारा टूल किट है, रॉ मटेरियल है, प्रैक्टिस के लिए मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन है, सब चीज़ें आपको यहीं से प्रोवाइड कराई जाती हैं। रिपेयरिंग के लिए जितना सारा सामान है, मशीनें हैं, सब चीज़ें आपको यहीं से मिलता है। बस आपको 45 डेज का समय निकालना है और पूरा कंप्लीट काम सीख करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। इस कोर्स को सीखने में मात्र 45 दिन का समय लगता है और खर्चा का देखा जाए तो मुझे लगता है कि 15,000 से 20,000 रुपये तक का समथिंग खर्चा आता है, जिसमें से आप पूरा कंप्लीट कोर्स सीख करके आसानी से आप जा सकते हैं। तो आज मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ड्राइवर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल के समय पर जैसे देखा जाए मोबाइल फ़ोन का कोर्स जितने भी सारे लोग हैं जो अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कोई अपना ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस बिजनेस में उनको अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, तो वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का एक बहुत कम समय का, बहुत छोटे समय का कोर्स है जिस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स को सीखने के बाद अपना एक बहुत अच्छा सफल बिजनेस कर सकते हैं। आजकल देखा जाए, उभरते हुए समय पर देखा जाए तो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन। अगर मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे लोग ठीक कराते हैं, ना कि फेंक देते हैं। जब उसे ठीक कराएंगे तो ठीक कराने के बाद क्या होता है कि उसमें खर्चा लगता है। एक मोबाइल फ़ोन का अगर बेचने में देखा जाए तो 10,000 का मोबाइल फ़ोन होता है, 10,000, 200, 300, 400 ऐसा बिकता है, लेकिन उसी मोबाइल फ़ोन को ठीक करने में 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का रिपेयरिंग करने का प्रॉफिट लिया जाता है। जिस बंदे को अपना मोबाइल फ़ोन का दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अगर उसको रिपेयरिंग अच्छे से आती है तो अपनी शॉप को बहुत बेहतर तरीके से चला सकता है, अपना पूरा काम कर सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रिपेयरिंग समझ लीजिए इस लाइन का मस्ट है, बिल्कुल मेन चीज़ है। जो आदमी रिपेयरिंग कर लेता है वो समझ लीजिए बहुत कम मार्जिन में अच्छा एक हाई लेवल का प्रॉफिट कमाता है और अपने अच्छे तरीके से बिजनेस को रन करता है। तो मैं उन दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब के लिए परेशान हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या बहुत साल हो गया जॉब करते करते और उनको परेशानी ये आ रही है कि वो अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सूरत, बिहार, गुजरात भागते घूमते रहते हैं नौकरी के लिए, वहाँ पर गए 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 कमाने के बाद फिर अपने शहर पे आए फिर वही जीरो का जीरो। क्यों जीरो का जीरो? इसलिए जीरो का जीरो कि वो बेकार हो गए, काम वहाँ पर करते थे 20,000, 25,000 मिलते थे, अपने घर में आए वहाँ पर मशीन चलाते थे, मशीन के बहुत बड़े इंजीनियर कहते हैं भाई, मशीन के वहाँ इंजीनियर हैं, पूरी मशीन को चलाते हैं, पूरे मशीन को खोल के बांध देते हैं, लेकिन घर पे आए तो घर पे कौन मशीन रखी है, घर पे वही मशीन रखी है जिसे को खोल के बांधो। तो क्या है, इससे बेहतर ये है कि अगर आप अपना कोई टेक्निकल हैंड होते हैं तो आप अपने लोकल, अपने क्षेत्र में रह करके काम कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल फ़ोन का काम ऐसा ही है तो भैया साथ सदा बाहर है, अगर आप सीख कर कहीं और जगह चले जाते हैं तब भी आप 2,400-500 रुपए कमाते रहेंगे, अगर नहीं जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के एसएससी बैंकिंग की तैयारी करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी इस कोर्स को सीख करके अपना पार्ट टाइम बेस पर अपना 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से आसानी से कमा सकते हैं और एक हाथों में हुनर ले लेते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पढ़ा हुआ आदमी एक बार ज़िंदगी में फेल हो सकता है, लेकिन कढ़ा हुआ आदमी कभी ज़िंदगी में नहीं फेल हो सकता। क्यों नहीं फेल हो सकता? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसको अच्छी तरीके से समाज के बारे में पूरा जानकारी है, किस तरीके से मार्केट में वो काम करके देगा, उसके बलदे में पैसे मिलेंगे, ये सारा जानकारी उसको अच्छे से अनुभव होता है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो या जॉब करने के लिए जाते हो तो एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप 10 रुपये का काम करके दोगे तभी आपको 2 रुपये मिलेगा, ये अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको काम ही नहीं आता तो क्या काम करके दोगे, क्या लोगे, चुपचाप घर बैठो। इससे अच्छा ये है कि आप अपना कोई एक काम सीख लीजिए, कोई कोर्स सीख लीजिए, ये बहुत कम समय का कोर्स है और सीखने के बाद आराम से इस क्षेत्र में, इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में पार्ट टाइम, फुल टाइम या अपना खुद का बिजनेस जॉब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नीचे दिया हुआ नंबर 6391711711, 6391211211, इस नंबर पर आप किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। दिन में किसी भी टाइम पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं। किसी भी टाइम पे आप वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हो कि किस तरीके से सर क्लास कराते हैं, कैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कितने घंटे बच्चे क्लास करते हैं। चाहो तो किसी बच्चे से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हो,
तो दूसरी बात क्या है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है कानपुर के सागर मार्केट में पड़ता है, यहाँ पर कम से कम 5,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं। लोग झोला भर भर के मोबाइल फ़ोन लाते हैं ठीक कराने के लिए। यहाँ पर हमारे बच्चे फ्री में मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं, जिससे होता है लोगों को सीखने को मिलता है हमारे बच्चों को, और किसी का फ्री में मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाता है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है कानपुर स्टेशन से मात्र 300 मीटर नज़दीक है, 300 मीटर दूरी पर है, पैदल का रास्ता, आराम से आ सकते हैं और आने जाने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें, सीखें, समझें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हम आपको सिखाने के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी वीडियो को अच्छे से शेयर करें, ताकि हमें भी महसूस हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट भी करें कि भैया देखो सर हमको वीडियो समझ में आया। ये आज मैंने क्लास 8 का वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, अगला वीडियो मैं क्लास 9 का दूंगा। इस तरीके से मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, वीडियो को अच्छे से समझे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।